देश के विकास के लिए कोयला अति आवश्यक है, ऐसा सरकार द्वारा कहा जाता है। और इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भूपदेपुर से धर्म जयगढ़ 180 किलोमीटर का रेलवे कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिससे खदानों में स्थित कोयले को इस रेल के माध्यम से कंपनियों तक पहुंचाई जाए। 180 किलोमीटर के बीच में सैकड़ों किसान ऐसे हैं जिन भू अर्जन किया जा रहा है, उनको इस जमीन के बदले उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। कहा जाता है कि जमीन का मुआवजा आदिवासी क्षेत्रों में 4 गुना मिलना चाहिए। रेल में जमीन जाते हमर ओकर हमर मुआवजा सही ढंग से नहीं मिल पाते, ओकर बर हम मने 1 मार्च से धरना करे हैं। हाँ, के किसान हुई लगभग? लगभग 100 किसान। भू अर्जन किए हुए जमीन का मुआवजा वहाँ के वास्तविक बाजार रेट से 4 गुना मिलना चाहिए। लोटान, बेहरामुड़ा सहित 5 गांव के लोगों को यह मुआवजा सही रूप से नहीं मिला है। पूरा प्राय प्राय सभी ले चुके हैं सर, बाकी 5 जने बचे हैं। हम लोग 5 गांव में 5 जने बचे हैं। क्या कारण है आप लोग क्यों नहीं रहे ले रहे हैं? हम लोग वही नवीन भोजन 2013 के तहत लेंगे करके ना, बिल्कुल अड़ गए सर और नहीं लिए। ग्राम सभा में हमारा गुमराह रखे गए 40 लाख के हिसाब से, 4 गुना के हिसाब से पैसा दिया दे के, अभी कम रेट में 1 गुना दिए थे, 1 गुना भी नहीं मिल पाते थे। जैसे 10 लाख देते थे तो कम से कम 4 गुना होते 40 लाख के। हम मांग कर रहे हैं 40 लाख एकड़ के मांग से दिया जाए कह के, और एक आदमी को हर पट्टा में नौकरी दिया जाए कह, तो अभी नौकरी नहीं दिया जाएगा कहकर मैंने 5 लाख बोनस के रूप में देवो कहते हैं रेलवे कॉरिडोर से जिस प्रकार लोगों को दिक्कतें हो रही है, इसी सब दिक्कतों को देखते हुए मैंने यह वीडियो बनाया है। वीडियो देखने वाले समस्त दर्शकों से यह अनुरोध है कि वे वर्तमान कलेक्टर श्रीमती अलरमेल मंगाई डी को 94-25-53-23-80 पर फ़ोन कर दबाव बनाएं, ताकि किसानों को उनके हक का उचित मुआवजा मिल सके। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, इंडिया अनहर्ड के लिए।